तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जो नकली वाला था अपने हाथी के ऊपर से बैठ के भाग रहा था। लेकिन भाई जो सर्कल यहां पे था, ढेर सारे बंदे अभी भी उनके पीछे पड़े हुए थे। ये कोई अपना हवेली मार्शल सील नाम का सील का टैग नकली बूटा कह देता है। जो बंदा डिटेल में ज्ञान पे रहता ना, वो अभी भी डिटेल में ज्ञान पे ले जा रहा है कि वाह वाह वाह। ध्यान से देखिए, पहले अवतार एक्टिवेट किया, अवतार का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक था इनसाइड वो एक्टिवेट किया, और बाद में जो सिलेक्शन सील होता ना वो सील भी एक्टिवेट कर दिया। यानी पूरा जी जान यहाँ पे लगा चुके बचने के लिए। और ये जो सर्कल यहाँ पे जमीन में पर रंग का निकला था विचक्राफ्ट का जी चक्कर के लिए, वो कुछ समय के लिए यहाँ पे रुक गया। लेकिन बस कुछ समय के लिए रुका, वापस से भाई एक्टिवेट यहाँ पे हो चुका है। और धीरे 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 उसका पावर भी बढ़ रहा है और साइज भी यहाँ पे बढ़े जा रहा है। टोटल पांच साल का यहाँ पे थे, पांचों साल का ना साइज यहाँ पे बढ़ा होकर पांचों आपस में इंटरकनेक्टेड हो चुका है। इंटरकनेक्टेड होने के बाद ना देखो ऐसा यहाँ पे लग रहा है, यानी ये मेन अल्टीमेट विचक्राफ्ट का फॉर्मेशन जिसमें फंसे, यानी विचक्राफ्ट हमारी बॉडी के ऊपर लग गया। जो हाथी यहाँ पे था, हाथी और भी डर जाता है, वो लिटरली हम नकली वाले की बात ही नहीं मारा, पगलाया जा रहा है। यहाँ वो हरकतें किया जा रहा, खुद भागने की कोशिश कर रहा है। डिटेल में ज्ञान पेलने वाला डिटेल में ज्ञान पेलता भी है कि सुनो सुनो सुनो, ध्याती जिसको जंगल के ना शेर के बाद दूसरा राजा यहाँ पे माना जाता है, वो भी एकदम बुखला चुका है। अपनी माली की बात नहीं माना, अपनी जान बचाने पर ध्यान दे रहा है। यानी समझ भी रहे हो ये फॉर्मेशन कितना स्ट्रॉन्ग है। नकली डिसाइपल भी देखते कि शीट भाई मास्टर के हाथों से ना ये हाथी भी बाहर जा चुके, जबकि मास्टर ट्यूलेशन स्टेज के यहाँ पर है। आई डोंट नो ऐसे क्रिटिकल मूवमेंट कौन हाथी को यहाँ पर कंट्रोल कर सकता है। नकली वाला भी देखते कि शीट भाई हाथी भी अपने काबू से बाहर जा चुका है, यानी मुझे ये आगे चल के कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और मनी मन सोचते कि अभी के लिए हालत बड़ी खराब हो चुकी है, एकदम क्रिटिकल मूवमेंट पर आ चुके हैं, हमको यहाँ से बच के निकलना पड़ेगा। और अभी के लिए आसपास हर जगह से घेर चुके हैं। जो नदी है ना भाई, यहाँ नदी को हम लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ से निकलने के लिए। और जो अपना हाथी है ना, अपने हाथी को यहीं पर छोड़ के जाना पड़ेगा। हाथी फंस चुका है वो ना भाई फॉर्मेशन के अंदर, तो उसका कुछ भी यहाँ पे कर नहीं सकते। हमारा वाला भी नोटिस करता है कि पानी के अंदर जा रहा है ये गधा। पानी में जाना यानी अपने पैर पर कुढ़ारी मारने के बराबर है, क्योंकि पानी में पहले से फॉर्मेशन लगा हुआ है। जैसे नकली पानी में जाने लगता ना, वो ऊपर से रुक जाता है कि शीट यार पानी में भी पहले से फॉर्मेशन लगा हुआ है, ये भी एक्टिवेट हो चुका है। इसका भी साइज यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस गलती से मैंने अपना पैर रख भी दिया ना, ये फॉर्मेशन मुझ पर लगेगा। बाद में कुछ भी हो सकता है, या तो मेरी बॉडी पे सील लग जाएगा, या तो पूरा कल्टीवेशन बेसिक खत्म हो जाएगा, या तो जान भी निकल जाएगी, अब तो गहरा चोट लग जाएगा। इनमें से कुछ भी हो जाएगा तो मेरा अंजाम बुरा होगा। अपने बुड्ढे की ओर देखते हो, कहते सुन भाई बुड्ढे, तेरे पास कोई आइडिया वाइडिया है क्या बचने का, क्योंकि तू बड़ा शांत यहाँ पे लग रहा है, तुझे किसी बात का डर नहीं लग रहा, ये कहता आइडिया मेरे पास। अरे वो तो नहीं है मेरे पास, एक भी आइडिया नहीं है। हमारे रियल बुड्ढा मनी मन सोचता है केवल मेरा काम यहाँ पर इंतजार करो, अभी के लिए मैं देखना चाहता हूँ पहले से जो बंदा है, स्पेशली वो बंदा जिसने ये पूरा फॉर्मेशन यहाँ पे विचक्राफ्ट का लगाया भाई। वेयर हाउस में गए, वेयर हाउस में पूरा पता किया, कुछ नहीं मिला। पहले से कोई बंदा यहाँ पर आएगा ना, उसके द्वारा यहाँ पे पता करेंगे तो ही जाके कुछ यहाँ पे मालूम चलेगा। ऐसे कुछ भी मालूम चलने वाला नहीं, इसलिए बस इंतजार करो। नकली वाला भी कहता है क्या तुझे कुछ भी मालूम नहीं है, और शूट यार अब हम लोग यहाँ पे क्या करें। उतने में ना ढेर सारे बंदे लोग ना ढेर सारे बंदे आते और देखते हो, देख सर बुड्ढा जीटीएन तू ये ना सबसे कमी ना सबसे हरामी बंदा पूरी दुनिया का, या तेरे बारे में हमको मालूम यहाँ पे चल गया है और हम लोग कब से इंतजार कर रहे थे, हमको आइडिया लग चुका था कि तू है ना अपने कुछ डिसाइपल के साथ यहाँ पर आएगा, इसलिए जो पूरा फॉर्मेशन है ना हमने एडवांस में यहाँ पे लगा के रख दिया है। ये मतलब लगा हुआ बहुत पहले से था, लेकिन कभी ज्यादा ध्यान दिया नहीं गया था, कभी इतने अच्छे से एक्टिवेट किया गया नहीं था। लेकिन आज स्पेशली तुम सबको पकड़ने के लिए हमने ऐसा यहाँ पे कर दिया, तू कहाँ बच के जाएगा। जो बंदा डिटेल में ज्ञान पेल रहा था वो फिर से कहता, अभी देख रहे हो कुछ कमांडर ऑफिसर सोल्जर्स यहाँ पर आ चुके जिसने बुड्ढे को और घेर लिया। बड़े डरपोक लोग भी है, जब से भाई वो हाथी से अटैक कर रहा था, अपना अवतार का अटैक कर रहा था, सामने नहीं आया। जब अटैक खत्म हुआ ना, अब जाके सामने आ रहा, क्योंकि फॉर्मेशन का पावर ज्यादा जो बढ़ चुका है। सामने से दूसरा बंदा कहता, बस कर भाई पूरा दो चैप्टर निकल गया, अभी तक तू डिटेल में ज्ञान ही पहले जा रहा, तेरा ज्ञान किसी को नहीं लेना। अब सामने से नकली बुड्ढे को आ जाता गुस्सा, वो जोर से चला था, बस बहुत हो गया। वापस से अपना ट्यूलेशन इनसाइड है ना वो अटैक करता है, तो जो भी सोल्जर्स यहां पर आए थे ना रोकने के लिए, उन सबको भी चोट लगता है, उनके कपड़ों की धज्जियां उड़ जाती है। तो नकली डिसाइपल देखते कहते, अच्छा ये देख रहे हो, ये मेरे मास्टर की पावर, बंदों की धज्जियां यहां पर उड़ा देना। और उसका अवतार करना चाहिए, पांच पत्तों वाला अवतार का पावर इस पर रिलीज होता है। हाँ तो डिटेल में ज्ञान पहले बंदा भी ऐसा नीचे से जाता है, जाते जाते अभी भी डिटेल में ज्ञान पहलता है कि हाँ अभी भी है ना उसने आई डोंट नो कैसे पांच पत्तों का अवतार यहाँ पे कर लिया। ढेर सारे बंदों की मौत हो गई, उनकी डेड बॉडी हवा में यहाँ वहाँ फैल गई। जो सोल्जर हीरो बन के यहाँ पर आए थे ना, कुत्ते बन के वापस सोलो भी डर के मारे यहाँ पे निकल गए। एक सोल्जर कहता है, डरो मत, आई नो उसका पावर यहाँ पे ज्यादा, रोक पाना काफी मुश्किल यहाँ पे हो रहा है, लेकिन हमने विच का आपका जो फॉर्मेशन है ना वो एक्टिवेट यहाँ पे कर दिया, इसलिए चाह के भी ना वो लोग यहाँ से बच के जा नहीं सकते, बस हमको रुकना है ताकि वो लोग थक जाए और यहाँ से भागने के लायक ना बचे। सामने से जो नकली यहाँ पे था अपना अवतार यहाँ पे बंद कर लेता है कि यहाँ पे अवतार को मेंटेन करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, मुझे यहाँ से अभी निकलना है, तो निकलने के लिए मुझे अपना अवतार मतलब थोड़ा पावर यहाँ पे बचा के रखना चाहिए। रही बात फॉर्मेशन का, फॉर्मेशन बड़े तेजी के स्पीड से यहाँ पे बढ़ रहा था, इतना अटैक करने के बाद इतना स्पीड यहाँ पे स्लो हो गया है, लेकिन बंद यहाँ पे नहीं हुआ। इस फॉर्मेशन से बच के कैसे निकलूँ, यूनार यहाँ पे दिना वो अपने मास्टर से कहती, मास्टर बोलो यार हम लोग आगे
क्या करे, इससे पहले बार बार जानबूझ के ना दादा दादा कह रही थी, अब उसने मास्टर बोल दिया, तो नकली वाला भी सुन लेता हूँ, कहता क्या मास्टर, यानी ये बुड्ढा तुम्हारा मास्टर है यार, तुमने मुझे बोला नहीं मैं तुम्हारा मास्टर बनना चाहता था। ये कहते जावे साले बुड्ढे, तेरा तेरा डिसाइपल कौन बनना चाहता है, अगर तूने एक बार और फालतू बकवास किया ना आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगी, समझ गया क्या। ये नकली वाला भी सोचता कि आई डोंट नो यार, जो बंदा मुझसे ऐसे बातचीत करता ना, इतनी बदतमीजी करता है, मुझे गुस्सा आ जाता है। लेकिन ये जब ऐसा बातचीत करी ना भाई, मैं एकदम शांत हूँ, मुझे ऐसा कोई गुस्सा वुस्सा आ नहीं रहा। लेकिन ये बुड्ढा पहले से उसका मास्टर बन चुका है, मुझे इसको अपना डिसाइपल बनाना था। कितनी शर्म की बात है यार, कितनी ज़्यादा शर्म की बात है। अपना असली वाला यहाँ पे सोचता कि अगर बाई चांस इस नकली ने कुछ भी ऐसा करने के बारे में सोचा उल्टा सीधा, हाँ तो मैं अपना कार्ड यूज़ करूँगा, अटैक करूँगा, इसकी जान निकालूंगा। मैंने इसका और सब कुछ ये अच्छे से महसूस कर लिया है। ये ट्यूलेशन स्टेज पर है, ट्यूलेशन स्टेज के समझो वन ऑफ द वीकेस्ट पर है। अगर जो मेरा डिसाइपल चाहता हो तीसरे ने भी फाइट यहाँ पे किया ना, वो भी इसको बड़ी आसानी से हरा सकते हैं। हाँ लेकिन एक बात का मुझे ये रहेगा कि जैसे ही फॉर्मेशन पूरी तरीके से भाई तैयार हो जाएगा ना, ये नकली बुड्ढा चाह के भी बच यहाँ पे नहीं पाएगा। दूसरी ओर भाई जो बुड्ढा यहाँ पे तो भी टेंशन में था, और जो फॉर्मेशन यहाँ पे थे भाई धीरे 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 और अच्छे से तैयार हुए जा रहा है। और जो डिटेल में ज्ञान पीने वाला बंधन होकर तो हो देख सकते हो भाई 99% समझो फॉर्मेशन यहाँ पे तैयार हो गए। जैसे फॉर्मेशन तैयार होगा, जैसे तुम फंसोगे ना, तुम्हारे मेडियन डेंटियन सब सिल करने लग जाएगा, तुम चाह के भी कुछ यहाँ पे नहीं कर पाओगे। बुड्ढे तू तो गया, नकली बुड्ढा भी लाइक अरे यार तो सच्ची में चल जाऊंगा यार, इसको कंप्लीट होने से पहले मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। मेरे डिसाइपल लोग भागो, नोटिस करते डिसाइपल लोग की बैंड बजी पड़ी है, अपना बॉडी भी वो लोग हिला नहीं पा रहे। इसको याद आता हाँ भी वो सबके सब डिवाइन स्टेज के बंदे, मैं ही अकेला ट्यूलेशन स्टेज का बंदा हूँ, जी चाहे मैं इतना बार मैं कुछ कर भी पा रहा हूँ। अपने असली बुड्ढे की ओर कहते सुनो यार, आई डोंट नो तू एग्जैक्टली है कौन, लेकिन तू मुझे बड़ा कमाल का बंदा लगता है, तो भाई काम कर हम दोनों हाथ मिला के ना यहाँ से बचने की कोशिश करते, वरना तू ना बचेगा और ना ही मैं बचूंगा। जो सुनता अपना बुड्ढा साफ़ मना कर देता कि ना भाई हमको तो कुछ भी नहीं करना, और हमारा मेन कटर सोचता कि अगर मैं चाह के मदद भी करना चाहूंगा तो मैं नहीं कर सकता यार, बिल्कुल नहीं, क्योंकि भाई जो मेरा रियल पावर है वो तो अभी भी ब्रह्मा स्टेज पर है ना, ट्यूलेशन स्टेज पर कहाँ यहाँ पर है। और ऊपर से जो मेरा अवतार यहाँ पर, वो अवतार भी देखा जाए तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर नहीं है, तो भाई मेरी बेइज्जती हो जाएगी अगर मैंने कुछ भी यहाँ पर करने गया तो। नकली बुड्ढा कहता भी उस समय अगर मैंने अपना अवतार एक्टिवेट ना किया रहता, अगर हमको नहीं बचा रहता, तू भी नहीं बचता, तेरी भी मौत हो जाती। और अभी तो यहाँ पर मना कर, सुन ले यार विश का फॉर्मेशन एक्टिवेट हो चुका है, पूरा यहाँ पर होने वाला है, निकलो वरना तू मरेगा। मैं तो भाई जैसे तैसे अपनी जान बचा लूँगा, छोटी बच्ची एक मौका और भी दे रहा हूँ, मेरे पास आ जाओ, कितना बड़ा डेंजर मौका क्यों ना जाए, मैं तुमको हर डेंजर मौके से ना बाहर निकाल दूंगा। वो कहती है बाहर में जा, गेट लॉस। इसको तो भी अभी गुस्सा नहीं आता और कहता क्या करे भाई लड़की, मैंने तुझे कई बार मौका दिया, तूने हमेशा मौके को मना किया है, हाँ तो मैं तो चला भाई, तुम्हारा नसीब तुम्हारे ऊपर ही मैं छोड़ के जा रहा हूँ। नोटिस करता शेड भाई जो भी है ना ये पावर वावर यहाँ पर विच क्राफ्ट फॉर्मेशन का मेरी मरीडियम पे धीरे धीरे असर यहाँ पे कर, अब निकलो यहाँ से, नहीं निकलोगे तो एकदम खत्म। सीधा उठते हुए यहाँ पे भागने लग जाता है अपने डिसाइपल लोग को छोड़ के। मन ही मन सोचता कि कुछ समय पहले मुझे अपने डिसाइपल के बारे में परवाह था, उनको अपने साथ ले जाने का, क्योंकि उस समय टाइम यहाँ पे था, अब टाइम यहाँ पे नहीं। अगर दो मिनट भी सोचने को बैठा फॉर्मेशन पूरा मुझे फाड़ के रख देगा और मैं भी बच नहीं पाऊंगा। डिसाइपल लोग भी रोते हैं कि अरे मास्टर भाई हमको छोड़ के मत जाओ, हमको भी अपने साथ लेके जाओ। एंड देन ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म, तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।